दूसरे सलोन पहुंच गया हूं। ठीक है, मैं ना मोहल्ले वाली शॉप पे आ गया हूं। मैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। यार अभी अभी आपका भाई उठा है, तो जैसा कि आपको पता है कि यार आज जुमे का दिन भी शॉर्ट होता है। ठीक है, जुमे के दिन का मतलब टाइम का पता ही नहीं चलता, कैसे दिन डाल जाता है, जुमे का टाइम आ जाता है। उससे पहले अभी ना आपका भाई 10 बजे उठा है। ठीक है, तो उससे पहले आपका भाई के ना जहन में आज सवाल है कि यार एक्सपेरिमेंट वीडियो क्यों ना बना दी जाए। एक्सपेरिमेंट से मुराद ये है कि आपके भाई ने सोचा है कि यार एक ना खत जो है ना एक नहीं चीप शॉप से करवाई जाए, और जो कटिंग है ना वो एक एक्सपेंसिव शॉप पे करवाई जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें होने वाली हैं। तो आपको पता ही है, वैसे आपका भाई हफ्ते बाद ये खत शत करवाता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने मोहल्ले की शॉप पर जाएँगे, ठीक है, उधर से पूछेंगे कितने का खत होगा। पूछ मुझे तो पता है, वैसे आपको मैं बताऊंगा कितने का मैं खत करवाता हूँ उधर से। ठीक है, तो एक्सपेंसिव शॉप पे जाएंगे, ठीक है, उधर से पूछेंगे कितने की कटिंग होती है, फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक आपको ना पर्सनली बात बताऊँ कि आपका भाई ना कटिंग या खत किसी एक्सपेंसिव शॉप से नहीं करवाता मैं, वैसे नॉर्मली जो होता है मोहल्ले में हमारे दुकान शुकान है, ठीक है, उधर से करवाता हूँ मैं। तो इतना मैं कोई लग्जरी बंदा नहीं हूँ कि मैं खासियत करवाऊँ एक एक्सपेंसिव शॉप से, ठीक है, चाहे हफ्ते बाद भी बंदे ने करवाना होता है, लेकिन जो भी अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से करवाता है ना बंदा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपने ना मोहल्ले वाली शॉप पे आ गया मैं, ठीक है, तो इधर सामान लेने के बाद ना भी काफ़ी रश लगा हुआ है, क्योंकि आज चुनाव भी है। इस वजह से फाइनली मेरी बारी आ गई है, ठीक है, तो आपका भाई करवाने लगा खासियत। तो यार सबसे पहले लगाया जी इन्होंने टावल, तो उसके बाद भाई साहब ये जेल शेल लगा के पानी है लगा खत को कर रहे हैं नरम। तो ऊपर से जुमे का टाइम भी कम रह गया था, तो मैंने जाना था एक और जगह, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी खत। तो यार फाइनली इसने खत छत करना स्टार्ट कर दिया था, तो ऐसे विक्ट्री का निशान बना रहे जैसे पीटीए का सपोर्टर होता है। तो हो गया हमारा, ठीक है, तो ये शेवर लगाने लगा बड़ा फाइनली हमारा खादशा तो हो गया है, ठीक है, तो ये भाई मुस्तफा ने किया है हमारा खाते बच्चे ने, उस्मान भाई के शिगिर ने। तो उस्मान भाई कितने पैसे हो गए खाते, कितने पैसे हो गए? 200। यार ऐसे ना करो, मैं आपको बगैर पैसे दे के चला जाऊँगा। है नहीं, नहीं। जो जो असल है पैसे वो मांगो यार, आप यार 50 को 50 रुपीज़ 70s की बात करो आप, ज़्यादा बढ़ा रहे हो पैसे हैं। चलो यार पैसे ऐसे देते हैं तो जाते हैं कटिंग शटिंग करवाने। अच्छा था आपके भाई ने करवा लिया था, ठीक है, तो आप बाइक पकड़ते हैं अपनी, टाइम थोड़ा ही रह गया, तो निकलते हैं कटिंग करवाने के लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर मैंने ना माथ भाई को साथ पकड़ लिया अपने, ठीक है, तो हम जा रहे हैं अब सलोन, ठीक है, कटिंग शटिंग करवाने ना। दूसरे सलोन पहुँच गया हूँ, ठीक है, इधर तो अंदर से जा कर पूछते हैं क्या हिसाब किताब है कटिंग शटिंग का, क्योंकि आपका भाई फर्स्ट टाइम एक्सपेंसिव कटिंग करवाने लगा। हम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक ना हेयर वॉश करने लगे ये भाई, करने लगे हेयर वॉश। फाइनली हम दूसरे सलोन पहुंच गए हैं, ठीक है, कटिंग शटिंग करवाने से पहले जो बालों में मिट्टी गट्टा होता है ना वो निकालते हैं, ठीक है, तो बड़ी खिदमत शिदमत करते हैं ये सलोन वाले, ठीक है, पैसे तो लेते हैं लेकिन खिदमत बहुत कमाल करते हैं। हाँ यार, तो आपके भाई के ना बालों में ना शैम्पू लगना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, तो भाई ना फुल आपके भाई के ना बालों में से ना मिट्टी शिट्टी निकाल रहे थे, जो शाहदरा की मट्टी फंसी हुई है ना बालों में वो निकाल रहे थे भाई, तो मैं सुकून से ना नीचे बैठा हुआ था। ऐसे मारे हो गए हैं बाल, वॉश हो गए हैं, ठीक है, तो दो कौन से भाई कटिंग करेंगे, दूसरे भाई कटिंग करेंगे, ठीक है, तो दूसरे भाई कटिंग करेंगे, पहले जैसे बाल शॉप वॉश हो गए हैं, तो ये जो बड़ा मटी होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो यार स्टार्टअप में ना भाई ने नेट कवर शोर कर दिया था आपके भाई एंड पर ना मशीन लगा देना, ठीक है, जो कर्ली बाल है ना ये आपने ना खत्म कर देना, ज़्यादा छोटे भी करना, ठीक है। तो यार भाई ने ना जो बाल मेरे गीले किए हुए थे ना शैम्पू के साथ धोए थे, तो भाई ना ड्रायर के साथ ना सुखा रहे थे फुल मेहनत करके ना, भाई नहीं कटिंग कर रहे हमारी, ठीक है, अंकल जी करने लगे हमारी कटिंग। तो यार अंकल जी कटिंग करने लगे थे हमारी ना स्टार्ट, क्योंकि भाई को ना अंकल ने मना कर दिया था, उन्होंने कहा था कि यार मैं खुद ना करता हूँ कटिंग शटिंग, क्योंकि ये बच्चा ना ब्लॉग श्लोक बना रहा है, तो मैं भी आ जाऊँ। तो यार अंकल जी ने कटिंग करते हुए उन्होंने पूछा था कि यार कितने कितने बाल रखने, मैंने कहा अंकल जी ज़्यादा छोटे बाल ना करना जिससे बुरे लगें, ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो ओके, तो वो कहते थे कि यार आपके बाल ना काफ़ी रफ़ हैं तो इसको ट्रीटमेंट। तो यार फाइनली हमारी कटिंग हो गई थी, ठीक है, तो उसके बाद अंकल ना आपके भाई के ना बाल ना
खड़े कर रहे थे ड्राइवर के साथ, तो लुक चेक करें अपने भाई की कैसा लग रहा है, फुल पप्पू बच्चा लग रहा है कि नहीं। A few inches later, आपके भाई की ना बड़ी छठी हो गई है, ठीक है, तो जरा कैसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पीछे स्टोन से आपके भाई की हुई है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा प्रोटोकॉल ये भाई ने दी है, ठीक है, ये मार भाई की कटिंग हो गई है, ठीक है, तो चलते हैं हम घर यार, जुम्मे की तैयारी करते हैं, थोड़ा टाइम रह गया था भाई, फाइनली घर आ गया, अब थोड़ी देर रह गई है, जुम्मे शुमे की तैयारी करते हैं, तो मिलते हैं आपको जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद। One hour later. जुमा शुमा पढ़ के मैं आ गया हूँ, ये भूख शोक काफी लगी हुई है आपके भाई को, तो खाना भी बन रहा है। फाइनली आपके भाई के ना दी वन एंड ओनली फेवरेट मसर चावल, जो फ्राइडे वाले दिन हम कभी कभी बनाते हैं, ठीक है, तो आपके भाई के फेवरेट हैं, तो खाने लगे हैं, भूख काफी ज्यादा लगी हुई है, क्योंकि नाश्ता भी नहीं सुबह के किया आपके भाई ने, तो मिलते हैं आपको यार खाने के बाद। यार आपके भाई ने खाना शाना खा लिया था, ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ मॉडल टाउन अपनी फार्मेसी पे, ठीक है, जहाँ आपका भाई पहले जॉब वगैरह करता होता था, तो उधर से ना कुछ मेडिसिन है शॉर्ट हुई है, तो उधर पड़ी हुई है, वैसे उधर से लानी है मेडिसिन, हम आ जाएगा मुस्लिम टाउन उसको साथ पकड़ना है। यार हमने ना मेडिसिन वगैरह पकड़ ली है, ठीक है, तो मॉडल टाउन से, तो अब जा रहे हैं KFC बरकत मार्केट, हमारे भाई आज KFC में खिला रहे हैं बड़े में, अभी मजा आएगा ना भीड़, ठीक है, लास्ट तीन दिनों ने GD से खिलाया था हमें बर्कत शिरकत, ठीक है, तो हम जा रहे हैं हमारे भाई बाइक से, मेरी बाइक ना हमने मुस्लिम टाउन खड़ी हुई है। तो यार हम फाइनली पहुंच गए KFC पे बरकत मार्केट वाली, तो हम आ गया हुआ था ऑर्डर शॉर्डर देने, तो आपका भाई बैठा वेट कर रहा था, हमारी डील आ गई है, ठीक है, खाने लगे हम, मिलते हैं आपको खाने, तो यार डिलीशियस हमने खा ली, उसके बाद आइसक्रीम मंगवाई है KFC। 2000 years later. फाइनली हम घर आ गए थे, ठीक है, तो यार आज के लोग को इतने करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको जरूर पसंद है, अगर पसंद है तो सिर्फ आज को व्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।